नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की खबर साहिबगंज से। जिले में बढ़ते कोरोना प्रसार को देखते हुए जिला पत्थर व्यवसायी संघ के व्यवसायियों द्वारा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने एवं जिले वासियों की सुरक्षा के उद्देश्य से जिला प्रशासन को CSR मद में सहायता राशि दी गई। शनिवार को उपायुक्त राम निवास यादव के कार्यालय कक्ष में पत्थर व्यवसायियों ने उपायुक्त श्री यादव को 15 लाख का चेक प्रदान किया। इस मौके पर उपायुक्त राम निवास यादव ने कहा है कि जिला पत्थर व्यवसायी संघ द्वारा जिला प्रशासन को 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, जिससे जिले में सदर अस्पताल साहिबगंज एवं डेडिकेटेड कोविड अस्पताल राजमहल में बचे हुए कार्य किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि इस राशि की मदद से हम अस्पतालों में आवश्यक सामग्री एवं जरूरत की दवाएं खरीद सकेंगे। वहीं उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि पत्थर व्यवसायियों द्वारा जिला प्रशासन को कोविड अस्पताल के लिए बेडशीट एवं वहां काम करने वाली नर्स एवं डॉक्टरों के लिए PPE किट भी उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान उपायुक्त श्री यादव ने सभी पत्थर व्यवसायियों को जिले वासियों की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा है कि जिला पत्थर व्यवसायी संघ आपदा की इस घड़ी में जिला प्रशासन के साथ खड़ा है एवं आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता के लिए जिले की मदद कर रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन एवं संपूर्ण जिले वासियों की ओर से उन्हें हृदय से धन्यवाद। साथ ही साथ उपायुक्त श्री यादव ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग कोरोना व्यवहार का अनुपालन करें। उन्होंने जिले वासियों से कहा है कि जिले में COVID-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है, अतः 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में आएं एवं COVID-19 का टीका अवश्य लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है एवं कोरोना से बचाव में बेहद कारगर भी है। इस अवसर पर उपायुक्त आम जनता से भी ये अपील किया है कि उनके इलाकों में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों की सूचना जिला प्रशासन को दे, ताकि उनका टेस्ट कर उन्हें 7 दिनों के लिए क्वारंटीन अवधि में रखा जा सके, जिससे किसी भी प्रकार का संक्रमण ना फैल सके। इस दौरान जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार सहित पत्थर व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज जिला पत्थर उद्योग संघ की ओर से पत्थर व्यवसायियों द्वारा जिला के CSR मद में कुल 15 लाख रुपए डोनेट किए गए हैं, जिससे जो भी हम लोग के सदर हॉस्पिटल और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल राजमहल में कुछ आवश्यक सामग्री और कुछ काम हमको कराने हैं वो कराए जाएंगे, और कुछ अन्य दवाई वगैरह भी अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम इससे मंगवाएंगे। साथ ही साथ इनके द्वारा कुछ बेडशीट और एप्रन जो डॉक्टर्स और नर्सेज पहनती हैं वो भी डोनेट किए गए हैं। दे आर स्पेशली मेड फॉर कोविड वार्ड्स। मैं इनका इन सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और पूरे जिलेवासियों की तरफ से इनको एक अच्छे से धन्यवाद देता हूँ। बाद में इनको हम सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इस आवश्यकता के समय पे ये योगदान अपना दिया है समाज के लिए। साथ ही साथ जिलावासियों से ये फिर से निवेदन है कि आप कोविड के जितने गाइडलाइन हैं उनका पालन करें। आपके यहाँ कोई बाहर से माइग्रेंट आता है तुरंत सूचना दें हमको, जिससे कि उसको हम टेस्ट कर सकें और साथ ही क्वारंटीन सेंटर में रख सकें। साथ ही साथ डेली हम लोग एक बुलेटिन निकालते हैं, जिसके अंदर कोविड वैक्सीनेशन के सेंटर्स ब्लॉक वाइज दिए जाते हैं। मेरा फिर से निवेदन रहेगा 45+ के जितने भी लोग हैं, सभी हमारे माताएं और पिता मतलब बुजुर्ग लोग हैं, वो सब वैक्सीन लें, टाइम पे लें और स्वस्थ रहें। हो गया डायपर चेंजिंग टाइम। आपका भी टाइम आ गया है डायपर नहीं चैनल्स और पैक्स चेंज करने का। आप भी हेल्प लो, या तो ऐप से या अपने टाटा स्काई डीलर से। 1-2-3 कर डाला तो लाइफ जिंगल आला।